इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा आज चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर आज चांद पर लैंड करेगा। लैंडिंग की प्रक्रिया देर रात 1:30 बजे के आसपास शुरू होगी। रोवर प्रज्ञान उतरते ही लेगा चांद की तस्वीर। देश भर में चंद्रयान के लिए प्रार्थना, मोदी ने कहा लैंडिंग जरूर देखें। देश भर में चंद्रयान की सफलता के लिए पूजा पाठ का दौर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, लैंडिंग को लेकर उत्साहित हूं। पीएम ने लोगों से चंद्रयान 2 की लैंडिंग देखने का आग्रह किया। सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करने को भी कहा। खुद पीएम मोदी उस पल के साक्षी बनेंगे। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब वह घाटी में हिंसा की साजिश रच रहा है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से पहले जम्मू कश्मीर की ओर विश्व समुदाय का ध्यान आकर्षित करना चाहता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर हिंसा को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तिहाड़ जेल में पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम की रात करवटे बदल कर कटी। उन्हें तिहाड़ में आज सुबह नाश्ते में चाय, दलिया और पोहा परोसा गया। चिदम्बरम को INX मीडिया केस में 19 सितंबर तक तिहाड़ जेल में भेजा गया है। तिहाड़ जेल में चिदम्बरम के पड़ोसी हैं यासीन मलिक, क्रिश्चियन मिशेल और दीपक तलवार। चिदम्बरम का नया पता जेल नंबर 7, वार्ड नंबर 2 और सेल नंबर 15 है। इस जेल नंबर 7 में जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक, कॉर्पोरेट लैबिस्ट दीपक तलवार, अगस्ता वेस्टलैंड VVIP चॉपर स्कैम के आरोपी और बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल और हाल ही में इसी केस में गिरफ्त में आए रतुल पुरी भी हैं। रतुल पुरी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे हैं। देशद्रोह के आरोप में शामिल कन्हैया को दिल्ली सरकार का क्लीन चिट। आप सरकार दिल्ली पुलिस को नहीं देगी कन्हैया और 9 लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने का अधिकार। 2016 में जैन यूनिवर्सिटी में लगे थे देश विरोधी नारे। पूर्व जेएनयू छात्रा शैला राशिद पर देशद्रोह का मामला दर्ज। शैला पर सेना के खिलाफ भ्रम फैलाने का लगा आरोप। शैला ने 18 अगस्त को ट्वीट कर सेना पर कश्मीरियों के साथ अत्याचार करने का आरोप लगाया था। दोनों आरोपों को सेना ने खारिज कर दिया था। दिल्ली के स्पेशल सेल ने आज शैला के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कपिल सिब्बल ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को जेल भेजे जाने पर टिप्पणी करते हुए ट्वीट कर आजादी के संरक्षण से जुड़े सवाल उठाए हैं। कपिल सिब्बल ही चिदम्बरम का केस लड़ रहे हैं और वह गुरुवार को उनको जेल जाने से नहीं बचा पाए। अदालत ने उनकी सभी दलीलें खारिज करते हुए चिदम्बरम को तिहाड़ भेज दिया। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव आज। 9000 के करीब स्टूडेंट आज वोटिंग प्रक्रिया में ले रहे हैं हिस्सा। नतीजे रविवार को घोषित किए जाएंगे। इस बार छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए 6 प्रत्याशी मैदान में उतारे गए। अलका लांबा ने आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उनके कांग्रेस में शामिल होने के आसार बढ़ गए हैं। अलका लांबा ने सोनिया गांधी से 3 सितंबर को की थी मुलाकात। पार्टी से कई दिनों से चल रही थी नाराज।